हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर एसपी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे ज्वार भाटा, सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण। इसके पहले हमने पृथ्वी की गतियां, सौरमंडल और ब्रह्मांड बताया है, तो आप लोग उसको जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। फिर इसको देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, आज हम ज्वार भाटा के बारे में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सब बता देंगे एक तरफ से, और समझा देंगे आपको अच्छे से कि ज्वार जो है और जो भाटा होता है ये कैसे आता है, इसकी कारण क्या होते हैं, और इसकी जो प्रक्रिया है ये हम आपको अच्छे समझानेंगे। तो बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करिएगा। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ज्वार भाटा जो होता है इसके आने का प्रमुख कारण क्या होता है, चंद्रमा और सूर्य की आकर्षण शक्ति। ज्वार और भाटा आने का सिर्फ एक ही कारण है, चंद्रमा और सूर्य की आकर्षण शक्ति। यदि उन दोनों में हमारी पृथ्वी को आकर्षित करने की क्षमता ना होती तो शायद ज्वार भाटा ना आते। जो हमारा सूर्य है वो हमारी पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, और चंद्रमा तो निरंतर हमारा जो पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, ये हमारी पृथ्वी को अपनी ओर खींच रहा है, खींचने की कोशिश करता है, आकर्षित करता है। यदि हमारी पृथ्वी पर 71% जल और उसके अलावा जो हमारी भूस्थली और महाद्वीप, पर्वत, पहाड़ ये सब ना होते तो शायद हमारी पृथ्वी को चंद्रमा अपनी ओर खींच लेता, क्योंकि ठोस चीजें जो हैं उसको अपनी ओर आकर्षित करना मुश्किल होता है। तो इसके लिए ऐसा नहीं हो पाता है। और ज्वार भाटा क्यों आते हैं इसी में ये हम आपको बताएंगे। देखिए, सबसे पहले हम बता दें ज्वार भाटा आता कैसे है। हम लोग आपको बता दें, समुद्र का जो सामान्य सतह होता है इस पर 24 घंटे में 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आते हैं। किस तरीके से आते हैं ये हम आपको बहुत बढ़िया से फिगर में समझाएंगे। 2 बार ज्वार, 2 बार भाटा आने का कारण होता है, जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी के किनारे पे हमारा जल है, महाद्वीप भी है, पर्वत भी है, पहाड़ भी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो इस पे हमारे पृथ्वी के अधिकतर भाग पे जल है, तो जैसे कि जल वाला जो भाग होता है, जब हमारा चंद्रमा हमारी पृथ्वी के सामने आता है, वैसे तो सामने हर समय है, लेकिन जब उस जगह पे आता है जहाँ पे हमारा जलीय भाग होता है, जलीय भाग जहाँ पे होता है वहां पे जब चंद्रमा पहुंचता है तो चंद्रमा अपनी ओर पृथ्वी को खींचता है। जब खींचता है तो हमारी पृथ्वी पर चंद्रमा की ओर झुकती है, झुकती है तो वही ज्वार आता है। ज्वार आने का ये मतलब है पृथ्वी पूरा नहीं झुकती, लेकिन पानी का जो सतह है वो उठ जाता है। कैसे, देखिए यहाँ पे हमने फिगर बनाया है पृथ्वी का। पृथ्वी बगल जो ये है, ये हमारा पृथ्वी के बाहरी हिस्सा जो उठता बैठता है वही है। जो भाग उठ जाता है उसे ज्वार बोला जाता है, और जो भाग दब जाता है उसे भाटा बोलते हैं। कैसे, देखिए ये जो है, ये चंद्रमा हमारी पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षण कर रही है, आकर्षित कर रही है, लेकिन हमारी पृथ्वी जो है इसके विपरीत एक बल लगाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। संतुलित करने के लिए अपनी पृथ्वी जो है उसके एक विपरीत बल लगा रही है, अपकेंद्रीय बल, जिससे इधर हमारा ज्वार आता है। देखिए कैसे, जब हमारा चंद्रमा पृथ्वी को अपनी तो अपनी ओर खींचता है, तब हमारी पृथ्वी अपनी अपनी भू जो इसकी पूरी संरचना है इसको संतुलित करने के लिए ये अपनी ओर भी एक बल लगाता है, जिसको हम लोग कहते हैं अपकेंद्री बल। अपकेंद्री बल इसलिए लगाता है क्योंकि अगर ना लगाए तो शायद पृथ्वी पूरी चंद्रमा की तरफ चली जाए। देखिए, जब चंद्रमा पृथ्वी के सामने आता है तो जो जलीय भाग होता है पृथ्वी पे वो भाग उठ जाता है। आप लोग जानते हैं ज्वार, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन रहता है ज्वार आता कैसे है। ज्वार देखिए, जब आता है तो समुद्र का जो किनारे का भाग होता है, जैसे नदियां बाढ़ आती हैं तो किनारे साइड में उठ जाता है, मतलब बहुत किनारे साइड में पानी चढ़ जाता है, उसी तरीके से हमारा जब ज्वार आता है तो समुद्र का सतह जो है उठ जाता है, बहुत ऊपर तक पानी आ जाता है, तो इसको हम लोग ज्वार कहते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं जो लहरें होती हैं वही उठती बैठती हैं वही ज्वार भाटा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ज्वार भाटा हमारा होता है समुद्र का सतह उठता है ऊपर तक बहुत ज्यादा। तो देखिए, यही जो है हमारा ज्वार है, जब यहाँ पे सतह जब उठता है पृथ्वी का, तो जब पृथ्वी अपनी ओर एक अपकेंद्री बल लगाती है तो इस साइड पृथ्वी के जिस जगह पे ज्वार आता है उसी जगह के विपरीत पर ज्वार आता है, उसी समय पे, एक समय पर 2 बार ज्वार आता है, और हमारा इसी तरह 24 घंटे में 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आता है। देखिए कैसे,
जब हम लोग देखते हैं कि इधर का सतह जब पृथ्वी को उठेगा तो पृथ्वी अपनी ओर आप केंद्रीय जब बल लगाती तो खींचेगी, जब खींचेगी जैसे कि आप लोग एक चीज है, एक उदाहरण आपको दे देते हैं, आप बहुत अच्छे समझ जाओगे। देखिए हम लोग देखते हैं बाल्टी में पानी लेकर जाते रहते हैं तो बाल्टी की पानी छलकता है, छलकते तो शायद एक ही तरफ पूरा नहीं छलक जाता, उस तरफ भी हल्का जाता है, हल्का इस तरफ भी, दोनों तरफ छलकता है। ये किस लिए होता है? क्योंकि वो भी संतुलन बनाने के लिए, शायद अगर एक तरफ ही छलके तो पूरा बाल्टी पलट जाएगी। तो इसी तरीके से पृथ्वी हमारी एक तरफ जब वो उठता है भाग, तो पृथ्वी भी अपनी अपनी संरचना को संतुलित करने के लिए दोनों तरफ हमारा बल लगता है, जिसको हम लोग केंद्रीय बल कहते हैं। तभी हमारा दो बार यहाँ ज्वार आ जाता है और उसी समय में दो बार भाटा आता है। कैसे? जब हम लोग कोई बैलून ले ले, उसको फुला ले, फुलाने के बाद अगर हम लोग इधर तरफ पकड़ के खींचेंगे, एक साइड में पकड़ के जब बैलून को खींचेंगे, फुला रहेगा तो इस साइड पकड़े रहेंगे, तो दोनों तरफ क्या होता है, उठ जाता है, दो भाग उठ जाता है, तो हमारा अंडे की आकार का बन जाता है और दो जगह पतला होता है, मतलब दो जगह दबता है और दो जगह उठता है। इसी तरीके से हमारी पृथ्वी जो है ये इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ उठ जाता है, तो एक ही समय में दो जगह ज्वार आता है और दो जगह भाटा है। जहां जहां पे पृथ्वी का जलीय भाग जो दबता है, जो कम होता है, जहां जल का स्तर घटता है वहां पे हमारा भाटा आता है, और जिस जगह पे जल का स्तर बढ़ता है वहां पे ज्वार आता है। तो इसी तरीके से हमने सबसे पहले बता दिया 24 घंटे में, यहाँ पे आपको बता दें 24 घंटे में दो बार ज्वार आता है और दो बार भाटा आता है। तो इसको आप लोग फिगर जरूर बना लीजिए, आप लोग इसको अच्छे समझ गए होंगे ज्वार भाटा कैसे आता है। 24 घंटे में दो बार ज्वार, दो बार भाटा, अर्थात 6-6 आवर पे आप कह सकते हो। देखिए 6-6 आवर का अंतर होता है एक ज्वार और एक भाटा में, ठीक है? तो चलिए आप लोग इसको फिगर बना लीजिए। अब हम आपको बताएंगे निम्न ज्वार क्या होता है और वो क्या कहते हैं दीर्घ ज्वार क्या होता है, ये दोनों बताएंगे। इससे पहले आप लोग इसको फिगर अच्छे से बना लीजिए, उसके बाद चलिए दोस्तों इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे अच्छे से। अब हम देखते हैं, हमने बताया कि जो हमारी पृथ्वी के सतह पर दो बार ज्वार और दो बार भाटा आता है पूरे 24 घंटे में, अर्थात हर उसी एक समुद्री सतह पर हर 6 घंटे पे ज्वार भाटा आता रहता है। इतना हम लोग आप लोग समझ गए। अब हम आपको बताएंगे निम्न ज्वार का होता है और दीर्घ ज्वार क्या होता है। दीर्घ ज्वार जो होता है यही हमारा सबसे अच्छा, मतलब यही हमारा कुछ ज्यादा तेजी से ज्वार और कुछ ज्यादा ही तेजी से भाटा आता है। इससे कि जब ये दीर्घ ज्वार आता है तो हमारा समुद्र का सतह बहुत ज्यादा उठ जाता है और ये चंद्रमा, ओ सॉरी, ये जो हमारा भाटा होता है इस सतह पर, दोनों सतह पर शायद कम हो जाते हैं। कैसे? जब हमारा पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा तीनों एक सीध में हो, तीनों एक सीध में हो, तब हमारा दीर्घ ज्वार आता है। कैसे? देखिए आप लोग यहाँ देख रहे हैं, ये भी मून है, ये भी मून है, दो बार मून इसलिए बनाए हैं क्योंकि कोई भी कंडीशन हो, चाहे चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाए, चाहे पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाए, आपको बताए ना, पृथ्वी और सूर्य के बीच चाहे तो चंद्रमा आ जाए या तो चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाए, इन दोनों कंडीशन में हमारा दीर्घ ज्वार आता है। आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। दीर्घ ज्वार जब आता है तो क्या होता है, हमारा जो सीधे दोनों तरफ से जो हमारी आकर्षण शक्ति होती है प्रभावित होती है पृथ्वी के ऊपर, उसके प्रभावित होने के कारण हमारा दीर्घ ज्वार आता है। अब हमारा निम्न ज्वार क्या होता है? निम्न ज्वार ये होता है कि जब हमारा चंद्रमा पृथ्वी के एक सीध में होता है, चाहे चंद्रमा मून, ये मून है, ये अर्थ है, ये मून है, ये सूर्य है, चाहे तो चंद्रमा हमारा यहाँ रहे, पृथ्वी यहाँ रहे, सूर्य यहाँ रहे, तब भी हमारा निम्न ज्वार आएगा। चाहे चंद्रमा इस तरफ रहे, पृथ्वी यहाँ रहे, सूर्य यहाँ रहे, तब भी हमारा निम्न ज्वार आएगा। क्यों? क्योंकि जब ऐसा होता है तो हमारा जब एक सीध में नहीं होते तीनों, तब हमारा निम्न ज्वार इसलिए आता है क्योंकि चंद्रमा की जो आकर्षण शक्ति है और जो हमारी सूर्य की आकर्षण शक्ति है, ये दोनों जो होता है, दोनों का जो आकर्षण शक्ति है पृथ्वी पर सही ढंग से प्रभावित नहीं हो पाती, जिससे हमारा निम्न ज्वार आता है। अगर एक सीध में होते हैं तो दोनों की आकर्षण शक्ति पृथ्वी के ऊपर प्रभावित करती है, तो इस वजह से लंबा ज्वार आता है और लंबा भाटा आता है। और यहाँ पर हमारा क्या होता है, दोनों एक अपना, ये इधर अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, ये अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, इस वजह से अच्छे ढंग से पृथ्वी पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता है, इस वजह से हमारा निम्न ज्वार आता है। आप लोग अच्छे से जान गए होंगे निम्न ज्वार और दीर्घ ज्वार क्या होता है, इसको भी आप लोग फिगर बना लीजिए अच्छे से। उसके बाद आपको हम बताते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे होता है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण और किस स्थिति में होता है, आपको फिगर भी बनाकर बताएंगे। आप लोग इसको पहले अच्छे से नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
हाँ दोस्तों, आप लोगों को हमने बताया कि हमारा ज्वार भाटा क्या होता है, तो ये हम आपको सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण अच्छे से समझाएंगे। ये हमारा पृथ्वी, ये है चंद्रमा और ये है सूर्य, और ये है सूर्य, ये है चंद्रमा, ये है पृथ्वी। अब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में हम लोग आपको अच्छे से बताएंगे, इसको आप समझ जाएंगे, कभी नहीं भूलेंगे। चंद्र ग्रहण क्या होता है, सूर्य ग्रहण क्या होता है, बहुत कन्फ्यूजन होती है इसमें ना, तो ठीक है। और आपको हम एक बात और बता दें, जो हमारा हम इसके पहले वो बताए हैं ज्वार और भाटा बताए हैं, तो आपको एक चीज बता देते हैं, जो हमारा ज्वार और भाटा होता है, ये जो सबसे ऊंचा ज्वार आता है, ये हमारा यूएसए अमेरिका में, हमारा अमेरिका में सबसे ऊंचा ज्वार 18 मीटर का ज्वार, 18 मीटर समुद्र का सतह उठ जाता है, हमारे यूएसए अमेरिका में फंडी की खाड़ी में आता है, ये फंडी की खाड़ी में। ये क्वेश्चन आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, फंडी के खाड़ी में, यूएसए अमेरिका में, यूएसए अमेरिका में हमारा जो ज्वार आता है, ये 18, आपको हम अच्छे बताए, 18 मीटर का, 18 मीटर का, 18 मीटर का हमारा ज्वार आता है, जो कि दुनिया का, पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वार होता है, सबसे ऊंचा ज्वार। इसको जरूर आप लोग नोट करिए, उसके बाद हम आपको अच्छे समझाते हैं। देखिए, आपको हम बता दें सूर्य ग्रहण क्या होता है और चंद्र ग्रहण क्या होता है। ये हम आपको फिगर जो बनाए हैं इसमें हम बताएंगे, जो हमारा सबसे पहले हम बताएंगे पूर्ण सूर्य ग्रहण क्या होता है और निम्न सूर्य ग्रहण क्या होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण मतलब कि पूरी तरह से जब हमारा चंद्रमा पृथ्वी को नहीं ढक पाता। देखिए, आपको हम बताते हैं सूर्य ग्रहण जो है, ये पूर्ण सूर्य ग्रहण कब आता है। पहली बात, एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देते हैं आपको, कि हमारा पूरे वर्ष भर में, पूरे साल भर में 7 अधिकतम 7 बार सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण हो सकते हैं, उसके अलावा नहीं, 7 बार, ठीक है। इसको आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, 7 बार सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण हो सकता है, उससे अलावा नहीं। और हमारा सूर्य ग्रहण जो है, पूर्ण सूर्य ग्रहण कब आता है, जब हमारा चंद्रमा जो है, मून, जब हमारा चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक नहीं पाता है, यहाँ पे पृथ्वी पे कुछ किरणें, कुछ सूर्य की रोशनी हमारे पृथ्वी जब पड़ती है, तो उसको हम लोग पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब हमारा चंद्रमा सूर्य की पूरी रोशनी को पृथ्वी पे आने से नहीं रोक सकता है, तो क्या होता है, हमारा पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। कैसे, क्योंकि जब हमारा पृथ्वी पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो हमें सूर्य अच्छे तरीके से दिखाई नहीं देता, पूरा भाग नहीं छिप पाता है, किनारे वाला भाग दिखता है, जिसको हम लोग किरीट बोलते हैं। हमने पहले लेक्चर में बताया था और दूसरे लेक्चर में भी, किरीट, जब सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है, तो इसका जो बाहरी भाग दिखता है, रिंग के आकार का चमकता हुआ, उसको हम लोग किरीट कहते हैं, या तो कोरोना, कोरोना, और इसको एक नाम और बोलते हैं, जो कि हमारे लोक संघ, लोक जो हमारा यूपीएससी है, लोक सेवा आयोग, इसमें पूछा गया था, जो हमारा सूर्य के ग्रहण के समय जो दिखने वाला भाग होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्शन में आया था डायमंड रिंग, हीरे की, क्या लिख सकते हैं, डायमंड रिंग लिख सकते हैं आप लोग, डायमंड, डायमंड रिंग, क्योंकि हमारा जो ये बाहरी भाग जो दिखता है, ये एक चमकते हुए आकार का दिखता है, सोने की, हमारा छल्ले की तरह, जैसे हमारा कंगन होता है उस तरह का, तो इसी को हम लोग डायमंड रिंग कहते हैं, कोरोना भी कहते हैं, किरीट भी कहते हैं। जब हमारा सूर्य ग्रहण लगता है, तो हमारा जो सूर्य का दिखने वाला भाग होता है, उसी को। अब हम आपको चंद्र ग्रहण बताते हैं, चंद्र ग्रहण तब लगता है जब हमारा सूर्य होता है, जो सूर्य, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है, और पूरी सूर्य पृथ्वी पृथ्वी जो है, सूर्य की पूरी रोशनी रोक लेती है और चंद्रमा पर नहीं पड़ने देती है, तब हमारा इस स्थिति में हमारा चंद्र ग्रहण लगता है। और जब चंद्रमा सूर्य की आंश पूरी, थोड़ा कहने का मतलब, आंशिक रूप से जब किरणें पड़ती है हमारे पृथ्वी के ऊपर, तब हमारा सूर्य ग्रहण होता है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, तब हमारा क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तब हमारा चंद्र ग्रहण होता है। बस दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, हमने कोशिश की है आपको बहुत अच्छे से बताने की, जो भी कमियां हो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे कि आपके अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब पर मिल जाए। बस दोस्तों, चलते हैं, धन्यवाद, आज आज के लिए इतना ही।